हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। देखिए, ये आज मैं आपको अपने पिटूनिया के सीड्स निकाल रही हूँ, वो दिखा रही हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी ये प्लांट पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और ये जो हैं सीड पॉट बन गए हैं, इसमें सीड्स हो गए हैं। तो बस इनको यहाँ से ऐसे तोड़ के कलेक्ट करना। और देखिए, इसमें बहुत बारीक बारीक से ये सीड्स निकलते हैं, बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं इसके। बस इनको चुन के रख लेना है नेक्स्ट ईयर के लिए। देखिए, मैं तो इनको ऐसे ही तोड़ के रख लेती हूँ और फिर खाली कर लेती हूँ। तो मैंने आपके लिए दिखाने के लिए बस थोड़े से वो करके दिखाए आपको। देखिए, इसमें भरे हुए हैं ढेरों सीड। देख पाऊंगी तो अगले साल के लिए ये वाइट पिटूनिया तो बहुत सारा तैयार हो जाएगा। इस बार बिना किसी केयर के इन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स दिए। और अभी शायद थोड़े फ्लावर्स और आते, अगर हम अपने नेटिव विलेज नहीं जाते तो इनकी सीड पॉट नहीं बनने देते। पर क्योंकि कुछ रिचुअल्स होते हैं होली पे हमारे यहाँ, तो जाना जरूरी था और गए, तो फिर ये मैच्योर हो गए सीड्स। खैर, इनका तो सीजन जा रहा था तो इन्हें जाना ही था, और हफ्ते 10 दिन फ्लावरिंग करते। बहुत तेज धूप पड़ने लगी है अब तो, इनका सरवाइव करना तो वैसे भी मुश्किल ही था। अब ढेरों ये सीड्स बन गए हैं अगले सीजन के लिए, और होप अगले सीजन में सब कुछ अच्छा रहा तो पिटूनिया की व्हाइट बास्केट्स बनाएंगे खूब सारी। रेड बास्केट में व्हाइट फ्लावर्स, कुछ ऐसा सोचा है। और देखिए, सोचते हम कुछ हैं और ऊपर वाला जो चाहता है वो कराता है हमसे। और चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।